हे ग न्यू वीडियो आप सबका स्वागत है चैनल पे तो आज हमारा टॉपिक है क्राइम एंड इट्स स्टेजेस तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्राइम का मतलब क्या होता है और कुछ कुछ लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दिया था क्राइम का वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या क्या स्टेजेस है क्राइम के वो सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जाके कर दो ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को अब हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ क्राइम क्राइम का मतलब क्या होता है अ क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिश बाय द स्टेट और एनी लॉफुल ऑथोरिटी अ क्राइम और एन ऑफेंस इज एन एक्ट विच इज हार्मफुल नॉट ओनली टू द पर्सन बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी सोसाइटी और स्टेट सच एक्ट आर फॉरबिडन एंड पनिश्ड बाय लॉ every crime violates the law but every violation of law does not commit a crime greed anger jealousy revenge or pride are the main reason for committing a crime ab matlab kya aa raha hai ki crime ye ek unlawful act hai koi galat kaam karna और ऐसा गलत काम करना जिससे state हम मेरे को पनिशमेंट देगा या फिर कोई लॉफुल अथॉरिटी मेरे को पनिश करेगा मैं कोई मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ लाइक like मर्डर कर रहा हूं या रेप हो रहा है या फिर कुछ दूसरा भी हो सकता है किडनैपिंग हो रहा है एबडक्शन हो रहा है ये सारे ऑफेंसेस आता है ये सब क्राइम है अ क्राइम और एन ऑफेंस या तो क्राइम या तो ऑफेंस दोनों एक ही चीज आप समझ सकते हो क्राइम इज बेसिकली एन ऑफेंस इट इज एन एक्ट विच इज हार्मफुल ये तो लोगों को तो प्रॉब्लम में डालेगा ही जैसे कि जो कमिट कर रहा है उसको तो प्रॉब्लम में डालेगा ही उसको जेल हो सकता है बाय द लॉफुल अथॉरिटी और बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी और ये जो हार्मफुल भी होता है बाकी कम्युनिटी सोसाइटी और स्टेट के लिए भी हार्मफुल होता है और ये सारा जो भी एक्ट्स है रॉन्गफुल एक्ट ये पनिश्ड बाय लॉ है लॉ इसको पनिशेबल मानता है और इसका मेन रीजन्स क्या आता है इसका मेन रीजन्स आता है ग्रीड लालच गुस्सा जलन रिवेंज लेना बदला लेना और प्राइड और ये सब मेन रीजन्स आता है क्राइम कमिट करने का अब हम लोग कुछ डेफिनेशनस पे जाएंगे तो पहला डेफिनेशन दिया था ब्लैकस्टोन ने ब्लैकस्टोन व्यूज क्राइम एज पब्लिक रॉंग्स एफेक्टिंग द एंटायर कम्युनिटी एंड ऑन दिस बेसिस डिफाइंस क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन द वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट इसका क्या कहना था इसका कहना था कि क्राइम जो है ये एक पब्लिक रॉंग है अफेक्टिंग द एंटायर कम्युनिटी पूरे कम्युनिटी पूरे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है वो और उस बेसिस पे इसने डिफाइन किया क्राइम को एज एन एक्ट कमिटेड या तो कमिट किया या तो ओमिटेड इन द वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ या फिर पब्लिक लॉ जो इसको वायलेट करते हुए कमिट किया गया है अब हम लोग आते हैं सेकंड डेफिनेशन स्टीफन डिफाइंस अ क्राइम एज वायलेशन ऑफ अ राइट

उसमें से आपको पता चल जाएगा कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या आ जाता पहला द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम पहला स्टेज क्या है इंटेंशन सेकेंड क्या है प्रिपरेशन थर्ड क्या है अटेम्प्ट इट इज द डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ एन एक्ट टूवर्ड्स एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द प्लान और लास्ट क्या है एक्म्प्लिशमेंट तो हम ये सारे स्टेजेस एक एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटेंशन पर इंटेंशन इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट चूज एंड अपॉन कंसिडरिंग द मोटिव विच सजेस्ट द चॉइस बट द लॉ विल नॉट नोटिस ऑफ एन इंटेंट विदाउट एन एक्ट लॉ जो है वो ये नहीं देखेगा कि आपका कैसा इंटेंशन है मैल इंटेंशन है या फिर आपका वैसा इंटेंशन है कि आप रॉबरी करोगे वो जब तक आप कोई एक्ट कमिट नहीं करते जब तक आप कोई काम कर नहीं देते नहीं करते कोई काम, जैसे जैसे कि कि आपने रॉबरी जब तक, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपने सिर्फ सोचा है मनी मन सोचा है कि मैं ये बैंक लूटूंगा तो लॉ इस चीज के लिए आपको पनिश नहीं कर सकता लॉ कब पनिश करेगा जब आपने उस इंटेंशन को आपने बदल दिया है, आपने ऑफेंस के रूप में दैट इज आपने एक्ट कमिट कर दिया है आपने रॉबरी करके आए तभी आपको लॉ पनिश करेगा अगर आप सिर्फ सोचोगे तो ऐसे पनिशमेंट नहीं होता है मेयर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस नॉट फॉलोड बाय एनी एक्ट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इट इज अ रूल लेड डाउन बाय लॉर्ड मैं फील्ड दैट सो लॉन्ग एज एन एक्ट रेस्ट इन बेयर इंटेंशन जब तक कि कोई भी एक्ट सिर्फ इंटेंशन में रहता है दिमाग में रहता है कि हम ये करना चाह रहे हैं ये पनिशेबल नहीं है बाय आवर लॉस बट इमीजिएटली वेन एक्ट इज डन जैसी एक्ट हो जाता है एक्ट कमिट हो जाता है तो लॉ जज करता है नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट डन बट ऑफ द इंटेंशन ऑल्सो अब हम लगाते हैं नेक्स्ट स्टेज दैट इज प्रिपरेशन प्रिपरेशन कंसिस्ट इन डिवाइजिंग और अरेंजिंग द मींस और मेजर्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इट डिफर्स वाइडली फ्रॉम अटेम्प्ट व्हिच इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन आफ्टर प्रिपरेशंस आर मेड तो यहाँ पे क्या लिखा है यहां पे लिखा है प्रिपरेशन जो है जैसे रॉबरी अगर किसी को कमिट करना है फॉर एग्जांपल तो वो अपने टीम सेटअप करेगा क्या क्या उसको बंदूक लेना है गन्स लेना है वेपन्स लेना है या फिर अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क वगैरह सब कुछ वो सब तैयारी कर रहा है तैयारी करना जो कहते हैं किसी भी प्लान को अंजाम देने के लिए उसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन वाला स्टेज तो ये अटेम्प्ट वाला स्टेज से बहुत डिफर करता है क्योंकि अटेम्प्ट जो है डायरेक्ट मूवमेंट है टुवर्ड्स द कमीशन आफ्टर द प्रिपरेशन आर मेड जैसे प्रिपरेशन सारा हो जाता है तो अटेम्प्ट आता है इसलिए हम लोग अब अटेम्प्ट में चले जाते हैं तो द टर्म अटेम्प्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड इन द लैंग्वेज ऑफ स्टीफेन

और ये भी आप जान लो अगर कोई अटेम्प्ट करते हुए पकड़ा जाता है रॉबरी अटेम्प्ट करते हुए पकड़ा जाता है वो उसको भी लॉ पनिश कर सकता है अब हम लोग आते हैं एक्म्प्लिशमेंट लास्ट स्टेज ऑफ क्राइम

और तब वो पकड़ा गया तब उसको गिल्टी ठहराया जाएगा फॉर हिज अटेम्प्ट ओनली जैसे कि मैंने आपको अटेम्प्ट जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बता दिया था कि अगर कोई अटेम्प्ट करते हुए पकड़ा जाता है और उसका जो अटेम्प्ट है अनसक्सेसफुल हो जाता है तब वो गिल्टी रहेगा ओनली फॉर हिज अटेम्प्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इंटरेस्टिंग लगा हो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी इस टॉपिक से रिलेटेड दैट इज आई से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे और कहीं भी डाउट आता है इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ थैंक यू